गुड मॉर्निंग क्लास 10th D। चिल्ड्रेन, अब हमारा हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डीसी मोटर देखना है। डीसी मोटर क्या होता है? देखिए, किसी भी ऐसी डिवाइस को, किसी भी ऐसी डिवाइस को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। एनी डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि ठीक है चिल्ड्रन, ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब इस इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ यूज टू, जहाँ भी हमें रोटेट कराना हो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज ए वाइटल कॉम्पोनेंट, इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन फैंस, इन इलेक्ट्रिक फैंस, refrigerators, computers, washing machines, MP3 player, etc. ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी मोटर। डीसी मोटर का यूज़ हम लोग करते हैं फैंस में, वॉशिंग मशीन में, MP3 प्लेयर में, रेफ्रिजरेटर में, कंप्यूटर में। ठीक है, अब ये इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल देखना है हमें। यस, अब प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए, अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, अगर कोई एक क्लोज सर्किट बना दें और उसमें करंट फ्लो कराएं और उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस लूप पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, जो एक कपल बना लेते हैं, और वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लूप को रोटेट कराते हैं। तो इसी को हम लोग को प्रिंसिपल में लिखना है कि व्हेन ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन इट विच ड्यू टू विच कॉइल रोटेट्स। तो चिल्ड्रन, एक बार फिर से इसका प्रिंसिपल देखेंगे क्या है, कि अगर हम कोई करंट कैरिंग लूप ले लें, या कॉइल ले लें और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लटका दें, ठीक है, तो उस कॉइल पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिनको हम कपल कहते हैं, और उन कपल की टेंडेंसी क्या होती है उस कॉइल को रोटेट कराने की। और इससे हमें ये पता चलता है कि करंट फ्लो कराने से कॉइल रोटेट करने लग गई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन कैसे। तो इलेक्ट्रिक मोटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ फोर मेन पार्ट्स या मेन कॉम्पोनेंट। दीज आर, इसका जो पहला पार्ट होता है वो है फील्ड मैग्नेट। सेकेंड पार्ट आर्मेचर। थर्ड पार्ट होता है स्प्लिट रिंग्स। इस स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी बोलते हैं। और फोर्थ पार्ट है
ब्रशेस, ब्रशेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के फोर पार्ट्स होते हैं, नंबर वन फील्ड मैग्नेट, नंबर टू आर्मेचर, नंबर थ्री स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर, एंड फोर्थ वन इज ब्रशेस, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखेंगे आप। ये चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन में देखिए कि इसमें एक फील्ड मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, जिसमें कॉनकेव शेप्ड के हॉर्स शू मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे की ओर फेस करे रहते हैं, इसका शेप कॉनकेव होता है, यही फील्ड मैग्नेट है, ठीक है। और इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर लूप होता है, जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ये है आर्मेचर, आर्मेचर ए बी सी डी, इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ, इसको बी पॉइंट लिख दे रहा हूँ, इसको सी ए डी, ठीक है। ए बी सी डी आर्मेचर है, और आर्मेचर से जो दो वायर निकले रहते हैं, ये वायर जा कर के टू सेमी सर्कुलर मेटालिक रिंग से जुड़े होते हैं, जिनको हम लोग स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर बोलते हैं। ये कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर का कनेक्शन जो है दो ब्रशेस से होता है, ये ब्रशेस ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो दोनों तरफ ये ब्रशेस मैंने लगा दिए, और करंट को फ्लो कराने के लिए इसमें बैटरी का अरेंजमेंट कर देते हैं, और ऑन ऑफ़ करने के लिए एक की लगा देते हैं। ये जो है, ये पूरी जो अरेंजमेंट आपको नज़र आ रहा है, इसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो इस डायग्राम में जो एन एस है वो फील्ड मैग्नेट है, फील्ड मैग्नेट यानी इलेक्ट्रिक मोटर का फर्स्ट कंपोनेंट। फिर सेकंड है ए बी सी डी, ए बी सी डी जो दिखा रखा है डायग्राम में वो है आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। और ये S1 S2 टू सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं, S1 एंड S2, इसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं या स्प्लिट रिंग्स भी बोल सकते हैं। और लास्ट पार्ट होता है ये दो ब्रशेस B1 एंड B2, ये दोनों ब्रशेस हैं ग्रेफाइट के बने होते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लिखना नहीं होता है, इसमें कम्यूटेटर की फंक्शन, कम्यूटेटर का वर्क पूछा जाता है कि कम्यूटेटर का क्या काम है, तो उसको हम देखेंगे कि कम्यूटेटर का वर्क क्या है। तो कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है, कम्यूटेटर का काम होता है कि इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट through a circuit